नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्नावली 4B का जो चैप्टर है, क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों को। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो को बस आप आखिरी तक देखिएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चंस है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि दो सिर्फ और आपका दो फॉर्मूले पर ये क्वेश्चंस आपका ख़त्म होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो को हमने आपको बता रखा है। देखिए पहला आपका फार्मूला हो, कभी कहीं लग जाएगा दोस्तों ये वाला फार्मूला जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है। देखिए जैसे मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पहला आपका फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला आपका होगा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला आपका होता है वह होता है दोस्तों मूलधन, आपको हमने बताया था है मूलधन 1+ दर/100 या n होता है दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला आपका ये लगने वाला है। इन दो फॉर्मूलों पे मैं आपके पूरे वीडियो को ख़त्म कर दूंगा दोस्तों, पूरे वीडियो को आपको क्या करूंगा मैं ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है दोस्तों कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए ये जो 600 रुपया दिया है, ये जो आपका 600 रुपया है दोस्तों वह क्या है आपका मूलधन है। क्या है दोस्तों आपका मूलधन है। तो मूलधन आपका कितना दिया दोस्तों 600 रुपये। अब 5% दर जो दिया है आपका दोस्तों कितना है 5%, और समय कितना दिया है दोस्तों आपका 2 वर्ष, कितना दिया दोस्तों आपका 2 वर्ष। अब इन क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, बस यही चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है तो यहाँ डाल देते हैं सीधे मिश्रधन बराबर मूलधन होता है, मूलधन कितना दिया आपका 600 रुपये दिया है तो 600 रुपये हो जाएगा आपका, 600 रुपये आपका हो जाएगा। दूसरा इंटू 1+ दर कितना दिया है दोस्तों आपका 5% दिया है, यहाँ लिखेंगे 5/ क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे, और समय कितना दिया दोस्तों आपका 2 वर्ष, तो यहाँ पावर कर देंगे 2। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका कुछ नहीं करना। देखिए 600 और 100 का एक में गुणा करेंगे तो 100 और 5 105 हो जाएगा। तो ऐसे करिए सीधे 105/100 और गुणते 105/100। देखिए 100 से 100 कट गया आपका। देखिए 6 का 105 में गुणा करेंगे तो 6×5=30 आपका हो जाएगा आपका 630 अगुणते 105/ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप अगर कट करेंगे तो देखिए आपका कट जाएगा, देखिए किससे कटेगा, देखिए 5 से कट करेंगे, देखिए 2×5=10 हो जाएगा, 2×5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको करेंगे देखिए 2×5=10 हुआ, अब 5×1=5। अब देखिए जब इसको करेंगे तो 63 का 21 में गुणा करेंगे, देखिए 61 + 63 हासिल 6 और 21 × 6 के आपका होता है 126 और 126×6 कितना होगा आपका 32, कितना हो जाएगा 32, तो 1332/2 तो 1323/2 में जब आप भाग देंगे तो देखिए आपका 2×12 कितना हो जाएगा 2×5=10 तो 2×12 हो गया 12, 2×12 यहाँ 2×1=2 तो 661.5 रुपये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए 2500 रुपये का 3 वर्ष का, देखिए ये 2500 रुपये ना, तो 2500 रुपये क्या आपका मूलधन दिया है, क्या दिया है आपका मूलधन दिया है, तो मूलधन कितना हो गया आपका
2500 रुपये। दर कितना दिया है देखिए, 8%। दर कितना हो गया आपका, 8%। और समय कितना दिया दोस्तों आपका, 3 वर्ष। ये कितना है आपका, 3 वर्ष दिया है। तो आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, चक्रवृद्धि अगर चाहिए तो वैसे निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर मूलधन, मूलधन और ब्रैकेट में आपका क्या होता है, 1+ दर बट्टा के 100 के घाते, यहाँ पर समय -1। ऐसे भी आप कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसे थोड़ा करेंगे से मेरे को सही नहीं लगता दोस्तों, तो ऐसे आप करेंगे तो आएगा आंसर, ठीक है। मैं और इससे आपको आसान तरीका बताता हूँ, कैलकुलेशन इससे थोड़ा लेंदी होता है। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मूलधन। तो मूलधन कितना है आपका, देखिए 2500 रुपये है, 2500 इंटू दर कितना दिया, देखिए 1+ दर कितना है, 8/100 हो जाएगा, और समय कितना दिया दोस्तों, 3। तो इसको अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2500, इसको करेंगे तो देखिए 108/100 गुणुत्ते हो जाएगा आपका, 108/100 गुणुत्ते कितना हो जाएगा, 108/100। ये बात समझ में आई। अब कर करेंगे तो देखिए 2 सुना से 1 2 सुना आपका कट गया, देखिए 5 5 25, इसको करेंगे तो 20 5 100। अब इसको कट करिए, देखिए 4 5 20 और 5 1 5। अब करेंगे देखिए, तो देखिए 4 1 4, देखिए 4 2 8, 4 7 28 कट गया आपका। तो आपका बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा आपका, देखिए यहाँ 27 गुणुत्ते 108 गुणुत्ते 108, अब बटा के क्या बचा आपका दोस्तों, पूरा बटा के 100, यही बचा ना। तो अब देखिए इसको कट करेंगे, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखिए 27 चौके कितना होता है, देखिए 27 चौके 108 होता है, ठीक। तो अब आपका बचा कितना, देखिए 27 गुणुत्ते 107 गुणुत्ते 108, अब बटा के कितना बचा आपका, 25 बचा, कितना बचा आपका, बटा के 25 बचा। अगर इसका आप करेंगे तो आपका आएगा देखिए 78732, कितना आएगा, 78732 बटा के 25। तो जब इसका आप भाग देंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 31.2928 आएगा, कितना, 31.2928 आएगा, ठीक है। तो 78732, अब आपको क्या करना है, ये जो आया आपका देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, लेकिन आपसे पूछा है देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालेंगे, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका आया देखिए ना 3149 बराबर मूलधन कितना था आपका, देखिए ये आपका दिया है 3149.28 बराबर मूलधन आपका दिया है, मूलधन कितना है दोस्तों आपका 2500 रुपये, अब प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर ब्याज लिख देता हूँ, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका पूछा क्या है, आपका ब्याज पूछा है, तो ब्याज जब पूछा है दोस्तों तो 3149 में से जब हम 2500 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका आएगा देखिए 649.  कितना आएगा आपका, 649.2328, यही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्याज पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो 649.28 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन निकालो। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन, तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज, ये 10% का है दर है, दर आपका 10% है। अब देखिए 1000 रुपये क्या है आपका, मूलधन है, और कितने वर्ष का आपका दोस्तों, 3 वर्ष का, कितने वर्ष का आपका, 3 वर्ष का। तो देखिए वही चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं चक्रवृद्धि यहाँ पर मिश्रधन, देखिए यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं तो ये नोट समझिएगा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक, यही पूछा है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करो। तो मूलधन कितना दिया है आपका दोस्तों, 1000 रुपये, कितना दिया है आपका, 1000 दिया है, और 1+ दर कितना है, 10 बटा के क्या हो जाएगा आपका, 100, और बटा कितना हो जाएगा आपका, कितने वर्ष का है, देखिए 3 वर्ष का दिया है। तो इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 1000 गुणुत्ते, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए
एक शून्य से एक शून्य कट गया यहाँ पर, तो 10 और कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11/10 अगुणते 11/10 अगुणते क्या हो जाएगा 11/10, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब तीन बार, देखिए 1, 2, 3 1, 2, 3 तो ये हो गया आपका। देखिए अगर देखा जाए 111 121 113 131 131 तो यही आपका पूछा था चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा आपका 1331 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए कि 15625 कितना आपका 15625 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, मतलब कि 15625 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से वो क्या किया गया आपका जमा किया गया, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज था मिश्रधन ज्ञात करिए, 3 वर्ष पश्चात ब्याज कितना मिलेगा और टोटल मिश्रधन कितना मिलेगा उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो मूलधन कितना है दोस्तों 15625 रुपये, ठीक, और कितने वर्ष के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर कितना दिया दोस्तों 8%, कितना है आपका 8%। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर देंगे, तो मूलधन, मूलधन कितना है आपका देखिए 15625 अगुणते 15625 दर दिया, देखिए 1+ दर कितना दिया आपका 8 है, तो 8/100 हो जाएगा और इसके पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो जब इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 15625 अगुणते हो जाएगा आपका देखिए 108/100 गुणते 108/100 गुणते 108/100 इतना होगा, इतना ही ना होगा क्योंकि तीनों का हम लोग कर दिए हैं, ठीक, तो 15625 रुपये ही है ना। अब देखिए तो 15625 है, तो देखिए इसको कट करेंगे, देखिए 20 × 100 कितना हुआ, 20 × 5 आपका 100 हुआ, अब इसको करिए 5 से करिए, देखिए 3 × 5 = 15 हुआ, 3 × 5 = 15 हुआ, अब यहाँ देखिए 5 × 1 = 5 हुआ, यहाँ हो गया आपका 12, 2 × 5 = 10 2 × 5 = 10 हुआ, और 5 × 5 कितना हो गया 25, तो 3125 हुआ। तो फिर आपका करिए, फिर 5 से करिए, तो देखिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा, अब इधर करेंगे तो देखिए आपका कट करेंगे, देखिए 6 × 5 = 30 एक आया, 2 × 5 = 10 5 × 5 = 25 आया, ठीक, अब करेंगे तो फिर इससे कट कर दीजिए, देखिए आपका कटेगा नहीं, देखिए 25 आपका, देखिए 20 × 5 = 100 इसको करेंगे, देखिए 25 × 5 कितना आपका आएगा 125 कितना आएगा 25 125 × 6 = 25 आएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इसको एक बार, तो आपका होगा देखिए 125 अगुणते कितना हो जाएगा आपका, देखिए 108/4 अगुणते आपका 108/20 अगुणते 108 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो अब इसको कट करेंगे, देखिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ये 25 × 5 = 125 हो जाएगा, अब इसको करेंगे देखिए आपका हो जाएगा 20 × 5 = 100 20 × 5 आपका 100 होगा, और इसको करेंगे तो देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, देखिए फिर 4 × 5 = 20 और 5 × 1 = 5 ये समझ में आया आपको। अब देखिए अगर इसको करेंगे देखिए 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका आएगा कितना 27 × 4 = 108 आता है, देखिए 4 × 1 = 4 और 27 × 4 कितना होता है दोस्तों 108, फिर देखिए 4 × 1 = 4 27 × 4 = 108 तो आपका बचा कितना दोस्तों, देखिए 27 × 27 = 27 कितना आया 27 × 27 = 27 तो इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे दोस्तों आपका आएगा 19683 कितना आएगा आपका, देखिए 19683 कितना दोस्तों 19683 तो ये आपका क्या है मिश्रधन है, क्या है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो लेकिन आपका पूछा क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन भी पूछा है, और क्या पूछा है देखिए तीनों से पूछा चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो आप क्या करेंगे देखिए ये चक्रवृद्धि मिश्रण निकल गया, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इधर देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो आपका क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण दिया है 19683 बराबर मूलधन आपका कितना था 15625 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूछा है, तो यहाँ लिख देखिए चक्रवृद्धि ब्याज
यही आपका पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ही आपका पूछा है, तो इसको निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा देखिए 19683 माइनस 15625 में जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा कितना, देखिए 15 4 19 4058 रुपये आएगा। कितना आएगा आपका 4058 रुपये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2560 रुपये का, कितने 2560 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया आपका दोस्तों मूलधन हो गया, इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज। तो दर कितना है दोस्तों आपका, देखिए 12 सही 1/2, अगर किसको करेंगे 12 × 24 = 25/2 हो जाएगा, ये बात हो जाएगा। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने समय कितना दिया दोस्तों आपका 4 वर्ष। ठीक, तो इसको बस वही चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो वही चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ कर लीजिए बराबर मूलधन, मूलधन कितना आपका 2560। अब देखिए वही 1+1+ दर कितना है, देखिए 25/2 है, 25/2 यहाँ 2 सब हो जाएगा, 25/2 है तो 2/2 नीचे आ जाएगा, 2/2 जो आपका है नीचे आ जाएगा, के पावर कितना है दोस्तों 4 वर्ष का है तो 4 कर लेंगे। देखिए 100 × 200 का यह देखिए तिरक गुणा करेंगे 200 और 25 करेंगे 225 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। देखिए 2560 हो जाएगा आपका, देखिए 225/200 × 225/200 × 225/200 1, 2, 3, 4 225/200। अब इसको हमको करना है दोस्तों, तो ध्यान रखिए 1 0 से 1 0 कट कर दिए, कट कर दिए, अब इनका 2 का गुणा कर, 2 × 4 × 8 × 16 होता है ना 16। अब इसको करेंगे देखिए 256 हो जाएगा, देखिए 225 × 225 × 225 × 225 1, 2, 3, 4 इतना बटा कर लीजिए, देखिए 2 × 4 × 8 × 16 16 कर लीजिए, कितना सुनना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अब देखिए 16 का स्क्वायर होता है 16 × 16 = 256 होता है, कितना 16 × 16 = 256 होता है। अब कट कर दीजिए इसको, देखिए 5 से कट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2 × 5 = 10 इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 तो बचा कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुनना, तो 5 से इसको 5 से करेंगे तो आपका 45 × 5 = 225 होता है दोस्तों। देखिए 4 × 5 = 20 2 आएगा, 5 × 5 = 25 फिर 5 से इसको कट करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे देखिए 4 × 5 = 20 आएगा तो हो जाएगा 40 × 2, 3, 4, 5 हुआ तो फिर आपका 45 हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आई। अब फिर करेंगे तो आपका देखिए 8 × 5 = 40 होता है तो आपका आएगा कितना 80,000 तो आपका फिर हो जाएगा ये आपका 45। अब फिर जब कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 × 5 = 80 देखिए 16 × 5 = 80 हो गया आपका 16,000 ये हुआ। अब फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका देखिए 45 तो जब इसको करेंगे तो देखिए 16 से ये 16 आपका कटेगा तो कितना आपका आएगा देखिए 1,000 आएगा। अब इसको कट करेंगे देखिए 5 से कट करेंगे तो देखिए आपका आएगा आपका जैसे 200 कितना आएगा आपका देखिए 200 इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45 फिर अगर इसको 5 से कट करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा कितना देखिए 40 आएगा कितना आएगा आपका 40 आएगा तो फिर इसको करेंगे तो 9 से हो जाएगा फिर ठीक तो फिर इसको 5 से कट करेंगे तो आपका आएगा 8 इधर करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 9 फिर आपका आ जाएगा कट 9 तो देखिए ऊपर क्या बचा देखिए 9 × 81 = 729 81 × 729 तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये आपका इतना बचा ठीक है नहीं तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं ठीक है तो जब इसको कट करेंगे तो देखिए ऊपर क्या बचा देखिए इसको हम मिटाते हैं ठीक है अब देखिए तो जब हम पूरा को कट किए हैं तो बचा कितना आपका देखिए दोस्तों ऊपर देखिए 9 × 81 = 729 × 45 और नीचे आपका क्या बचा था आपका 8 बचा था कितना बचा था दोस्तों
8 बचा था, तो 729 में जब आप 45 का गुणा करेंगे, तो 29 में 45 का गुणा करके जब आप 8 का भाग देंगे तो आपका गया कि कितना दोस्तों, 41.00625। तो ये तो आपका आया, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग निकाल रहे थे, क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे थे, लेकिन आपका पूछा कितना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों वही चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपका वही होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, देखिए 41.00625 माइनस मूलधन कितना था दोस्तों, आपका मूलधन कितना था 2560 रुपये, कितना 2560 रुपये। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो 1540.625, यही इतना आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1540.625 रुपये, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और 6 में क्या कह रहा है दोस्तों कि मूलधन इतना 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए है कितना आपका, देखिए मूलधन, ये मूलधन दिया है कितना, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10000 लाख 1 लाख रुपये। और देखिए ये दर कितना दिया है दोस्तों, दर कितना दिया आपका 10%, दर कितना दिया आपका 10% दिया है, और कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, समय कितना दिया है आपका 3 वर्ष, कितना दिया है आपका 3 वर्ष। तो वही चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन का पहले निकालेंगे, तो मिश्रधन का चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 मूलधन अगुणते 1 प्लस दर कितना दिया है 10/100, समय कितना है दोस्तों 3। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 1 कम 10 1 11 आएगा, तो इसको डायरेक्ट करिए 1 2 3 4 5 अगुणते करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 11/10 अगुणते 11/10 अगुणते 11/10 1 2 3 1 2 3। तो आपका आएगा कितना 11 ग्यारह 121 ग्यारह 1331, तो 1331 में कितना 1 2 2 0 2 0। तो ये क्या आपका आया चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन भी पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो मिश्रधन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका, देखिए मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है दोस्तों, आपका आया कितना, देखिए 1331 00 और माइनस, अब मूलधन कितना दिया आपका 1 2 3 4 5, ठीक। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा, देखिए ये तो आपके पास में घट जाएगा 33000 इतना रुपया आपका आएगा। कितना आएगा आपका 33100 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है, सॉल्व करवा दिया इस वीडियो में, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।